सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा रमन। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आज मैंने फिर से शेक नहीं पिया प्री वर्कआउट में, दलिए के साथ ड्राई फ्रूट खाए हैं, आपने देखा ही है। आज मेरा है शोल्डर का वर्कआउट, अपने को कार्ब्स लेने होते हैं, चाहे वो शेक से है या फिर वो दलिए से। आज से 5 महीने पहले मैं शोल्डर प्रेस में 35 kg ईच साइड लगा लेता था आराम से 8 रैप, लेकिन 4 से 5 महीने से मैं वर्कआउट करना ही रहा, मिस हो गया मेरा। आपको पता ही है क्यों मिस हुआ, घर में कंडीशन ही ऐसी थी। तो फिर मैंने 1 महीने से वर्कआउट अगेन स्टार्ट किया है और मैंने अपनी स्ट्रेंथ को उस लेवल तक लाने की पूरी कोशिश करी है। तो आज मैं ट्राई करूँगा 35 kg ईच साइड में कितने रैप आते हैं, ठीक है। 1 महीने मतलब पूरे 5 से 6 महीने के बाद ट्राई करूँगा, बाकी देखते हैं कितने रैप आते हैं, ठीक है। तो फाइनली अपना शोल्डर का वर्कआउट हो चुका है। मैंने टोटल शोल्डर प्रेस के लगाए हैं 10 से 12 सेट। अगर आप हैवी लिफ्टिंग करते हो या 35 से 40 किलो वेट उठाते हो ना शोल्डर प्रेस में, तो आपको 5, 10, 15, 20 ऐसे वार्म अप करके ही जाना होता है। अगर आप एकदम से हैवी लिफ्टिंग करोगे तो इंजरी के चांसेस होंगे, और वो वैसे भी जो स्ट्रेंथ होगी आपकी, अगर आपके रैप लग जाएंगे वो स्ट्रेंथ टेम्परेरी होगी, परमानेंट नहीं होगी। अगर आप ऐसे वार्म अप करते हुए जाओगे तो आपके लिए शोल्डर जो वार्म अप भी होता जाएगा, उसका इफेक्ट है वो अच्छा पड़ेगा, और वो जो स्ट्रेंथ लगेगी आपकी उससे 8 या 10 रैप जितने भी रैप लगेंगे वो परमानेंट वाले होंगे, शॉर्ट टर्म नहीं। तो मैंने टोटल 10 से 12 सेट लगाए हैं शोल्डर प्रेस के, उसमें से 6 सेट वर्किंग है, यानी कि मैंने 5, 10, 15, 20 ऐसे स्टार्ट किया था डंबल का, लेकिन मैं वर्किंग सेट मार रहा हूँ 20, 25, 30, फिर दोबारा 30, फिर 30 दोबारा, सॉरी 35 भी, 20, 25, 30, 35, फिर दोबारा 35, फिर 30, फिर 25, फिर 20, टोटल 6 से 7 सेट मेरे वर्किंग है, बाकी सब वार्म अप में मानूंगा मैं। तो बस यहीं अपना शोल्डर वर्कआउट हो गया। वहाँ आशु भाई वर्कआउट करते हुए अपनी कंपटीशन की तैयारी करते हुए। यो ब्रो, यस, अब हमने करना है और बेटर, पहले से करेंगे भाई। भाई पहले भी जीत चुका है एक, अभी जस्ट अभी कंपटीशन लड़के आया ना, क्या नाम था उसका, मिस्टर गुड़गांव, क्या नाम, मिस्टर गुड़गांव, वहाँ से कंपटीशन भाई जीत गया है, लेकिन आगे की तैयारी कर रहा है। बेस्ट ऑफ लक ब्रदर, जरा दिखो एब्स हो जाए ये एब्स ब्रो, नाइस। भाई कोई भी फील्ड में, अगर इस फील्ड में हो ना आप, कोई भी गोल अचीव करना चाहते हो तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तभी वो गोल अचीव होगा, वरना तो फिर आप बैठे रहो। तो यहाँ पे है नेचुरल, वहाँ पे है इनहेंस, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कंपटीशन वाली बॉडी अलग होती है, नेचुरल वाली बॉडी अलग होती है। कंपटीशन के लिए आपको क्या कुछ नहीं लेना पड़ता, नेचुरल के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कुछ लेना चाहते हो, ठीक है। चलो मैं चलता हूँ घर पे, और अपन पीते हैं अपना वर्ल्ड कप। भाई 10:30 हो गए हैं, यहाँ पे 10 बजे का टाइम है लड़कों को वर्कआउट करने का, और वो कब से बोल रहा है जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, लेकिन हम दोनों लगे हुए हैं, 10:30 बज चुके हैं। इससे अच्छा है कि वो सीरियस हो जाए तो निकल जाओ फटाफट। सही बात है। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलने के लिए जिस तरह की बॉडी हमको चाहिए होती है, वही सेम तरह की बॉडी मैंने तैयार करी थी, आप लोग ये पिक्चर देखो। लेकिन मैंने कोई कंपटीशन खेला नहीं, बिकॉज अगर आपको कोई भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलना होता है तो आपको उसके लिए एनाबोलिक्स इनटेक करने पड़ते हैं। उसका मतलब आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको लग रहा होगा ये बॉडी कितनी अच्छी बनी हुई है भाई की, लेकिन आपको कंपटीशन लड़ना चाहिए था, लेकिन भाई नेचुरल में आप कोई भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन लड़ दो लेकिन आप जीत कर नहीं आओगे, क्योंकि भाई जो इनहेंस होते हैं ना, जिन्होंने एनाबोलिक ले रखे होते हैं, उनकी बॉडी और भी मैच्योर दिखती है। आपको जिस तरह की मेरी बॉडी दिख रही है ना, अगर मैं एनाबोलिक इनटेक करता तो बॉडी इससे भी और अच्छी होती, मसल और मैच्योर होता, और जो शार्पनेस होती, डेफिनेशन होती, वो बहुत डार्क दिखती आपको। ये अंदर पीछे का तरुथ है, लेकिन मैंने एनाबोलिक इनटेक नहीं करे क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगर मैं वो लेता और कंपटीशन लड़ता तो आज मैं कहाँ पर होता, यहाँ पे वर्ल्ड कप नहीं बना रहा होता अपना घर पे, मतलब वर्ल्ड कप तो बना रहा होता लेकिन कहाँ पे होता। तो ये
सीन है। तो भाई जो आशु भाई है वो इसमें फील्ड में है, वो कंपटीशन लड़ना है तो उसको लेना ही पड़ता है इसके लिए, अगर आपको जीतना है तो ये बात होती है। इसलिए मैंने लिया नहीं, क्योंकि मेरा उस तरह उस लाइन में मतलब बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे जाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था और ना ही है, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ इंटेक करना पड़ता है, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, साइड इफेक्ट बहुत होते हैं उसके लिए, इसलिए मैंने वो नहीं लिए। अपन ऐसे नेचुरल में खुश हैं, नेचुरल में हमने बहुत कुछ अचीव किया जिसकी मुझे बहुत खुशी है, और आज भी लोग भगवानी कृपा से मानते हैं कि भाई अंशुल आपने बहुत अच्छा अचीव किया है, और मैं 5 साल कोचिंग भी दी है लोगों को, बहुत कुछ अचीव कराया मैंने लाइफ में उनको, एंड बस यही कहना चाहूंगा, मेहनत करोगे तो आपको गोल अचीव हो ही जाएगा, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। डिपेंड नहीं करता कि आपको एनाबॉलिक लेने हैं या नहीं लेने, लेकिन आज भी अगर उस तरह की बॉडी मैं दोबारा तैयार करूँ, लोग वो मानने को तैयार नहीं होंगे कि मेरी बॉडी नेचुरल है, क्योंकि उस टाइम जब मैंने बॉडी बनाई थी, ये बॉडी मैंने कम से कम ढाई साल मेंटेन करी थी। अगर आप लोग मेरे वीडियो में भी नीचे स्क्रॉल करोगे, बिल्कुल नीचे आपको ये वाली बॉडी दिख जाएगी और वीडियोज में दिख जाएंगी, ऐसी बॉडी मतलब लीन वाली श्रेडेड था, पूरा श्रेड था उस टाइम पे मैं, और ये बात होती है, और वो लोग मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होते कि भाई तुम्हारी बॉडी नेचुरल है, ये बात होती है। तो मैंने कहा तुम मानो या ना मानो, मुझे पता है कि मैं नेचुरल हूँ, अगर तुम्हारे दम है तो मेरा टेस्ट करा के देख लो कि मैं नेचुरल हूँ या नहीं। तो बस यही कहना चाहूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। अब बात करूं मैं एक बंदे की जो मेरा खुद का ही घर का बंदा है, वो भी मानने को तैयार नहीं है कि मैं नेचुरल हूँ या फिर इनहेंस हूँ। बेटा तुम मान या ना मान, मैं हूँ नेचुरल, बात खत्म। देखिए नेचुरल होते हैं तभी ये कारनामे करते हैं ना, नहीं तो अगर नेचुरल में ना होता तो जिम के बाद जाके लगा रहा होता टीका पागल। एनीवे दोस्तों पोस्ट वर्कआउट बना रहा हूँ अपना, आपको पता है 2 से 3 के लिए, और 2 स्कूप वे प्रोटीन ले रहा हूँ मैं जीएनसी का फिलहाल, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, काफी बढ़िया प्रोटीन है जीएनसी का, 100% प्रो वे, इसमें एक सूप में मिलता है आपको 24 ग्राम प्रोटीन और 11.4 ग्राम EAA, और ये जीरो एडिट शुगर है, बस फ्लेवर में जितना शुगर होता है 2 से 3 ग्राम वही आपको इस सूप में मिलता है। ये है वनीला फ्लेवर, मुझे काफी अच्छा लगता है, मैं चॉकलेट नहीं लेता। अगेन मुझे कंपनी अभी तक कोई वो नहीं कर रही अप्रोच की आप लोग इसको प्रमोशन करो प्रमोट करो, लेकिन मैं दिल से कर रहा हूँ क्योंकि ब्रांड अच्छा है, लेकिन फ्यूचर डेफिनेटली वो अपने को अप्रोच करेगी, एंड आप सबकी दुआएं प्यार इतना बड़ा बढ़ता रहेगा तो वो काम भी हो जाएगा। ठीक है चलो बनाते हैं, पानी डालते हैं इसमें। तो नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अभी अभी मुझे बुआ का फोन आया कि माधव की तबीयत ठीक नहीं है, उसको स्कूल से लेने जाना है, लेकिन फूफा जी घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हैं, तो अपने को जाना पड़ेगा और चलते हैं स्कूल से लेने उसको। दादी वहां बैठी धूप सेक रही है, दादी बुआ के घर पे है, हमारे घर पे नहीं, अभी इतनी ठंड आई नहीं है कि आप धूप सेक रहे हो, क्या करें, आपको ज्यादा ठंड लगती है। देखो मैंने आज पजामा डाल लिया, आप कहते थे पजामा डाल, खुश हो, खुश हो, जैसे कि मैंने कल लास्ट ब्लॉग में कहा था कि ठंड थोड़ी बढ़ चुकी है और मैं निक्कर छोड़ के पजामा डालना शुरू कर दूंगा, और मैंने आप उस वादे को पूरा किया, देखो निक्कर डाल ली, खुश, खुश, निक्कर डाले, पजामा डाला है, खुश हो, हाँ थोड़ा कमीज अभी गर्मी है ना, यहाँ पे गर्मी लगती है, नीचे थोड़ी ठंड लगी है, अभी जब जहाँ ठंड लगी फिर मैं डाल लूंगा कमीज, बुआ को बुलाओ चले फिर, वो अंदर खड़ी कपड़े, ठीक हो, ठीक हो, ठीक है, क्या है, आ जाओ बुआ। तो बुआ के घर पे आ गए हैं और अब चलेंगे यहाँ से माधव के स्कूल, मैं पहले माधव के स्कूल गया हूँ, अभी 8-10 दिन पहले ही गया था, उसकी पीटीएम थी पेरेंट टीचर मीटिंग, तो मैडम से मिलने गया था उसकी, मैंने कहा उस मैडम के पास लेके जा जिसकी जो तेरे को तेरी शिकायत दे मेरे को। कह रहा कोई मैडम नहीं जो शिकायत दी, सारी तारीफ करेंगी, नो डाउट सबने तारीफ करी थी उसकी। मैं क्या आज फिर से स्कूल दिखाओगे उसका है, एक टाइम था जब हम छोटे थे हम स्कूल में पढ़ते थे, हमको घर वाले लेने आते थे, लेकिन अब हम लेने जा रहे हैं। हाँ बैठो बैठो, क्या हुआ क्या उसको बेचारे को, दादी कह रही वोमिटिंग लगी हुई है उसको, इतना बड़ा स्कूल है और रास्ता देखो कितना टूटा हुआ बेकार सड़क है और आसपास जंगल है, एक तो ये स्कूल वाले अप्रोच भी नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि भाई ये सड़क बना दो, बनानी चाहिए उनको, इतनी खराब रोड है, खड़खड़ खड़खड़ खड़ यही करता रहूँगा बस एक्टिवा मेरी, इतनी गंदी रोड है, कोई गाड़ी आ जाए सारी धूल उड़ा के जाएगी। तो भाई स्कूल में एंटर हो चुके हैं, ये है स्कूल माधव का, उसकी क्लास 3rd फ्लोर पे है, मैं गया था उस दिन, मगर ये देख लो भाई मेरा वाला स्कूल बहुत बड़ा था, ये स्कूल तो फिर भी छोटा था उसके अकॉर्डिंगली, भाई ग्राउंड बढ़िया यार, बास्केटबॉल खेल रहे हैं बच्चे, नाइस, DAV सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल राजपुरा में, कौन बड़ा भाई स्कूल में बता दो कमेंट करके, एंट्री कर रहे हैं तभी लेने जाएंगे बच्चे को। अच्छा व्लॉग में हेलो तो कर सच बता, सच मजाक किया है कि सच में तेरा पेट दर्द हो रहा है, पूछ लो मम्मा से, मुझे लग रहा है तो छुट्टी मारने के लिए कह रहा है, मुझे पता है झूठ बोल रहा है ना,
शान पत्ती उल्टी क्लास में करिए कि बाथरूम में करने गया था। सच बता अबे एक्टिवा उधर है, इधर नहीं है, चल उधर। ये सब पता है, मैं जान के तूने किया, इधर मैडम को बोलूंगा तेरे को खड़ जा। वही पता जाने किया तूने, है ना? कोई वोमिटिंग नहीं है तेरे को? तो अभी तो ठीक था, तू जरूर हंस भी खाया, चल भी रहे थे, सब तो ठीक है। ये देखो सब ठीक है, इसको सब छुट्टी के लिए किया तूने, मैं समझ गया बेटा। ये बचपन में हमने भी बहुत बार किया है, हमने भी किया बचपन में। चल 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 चल, कहाँ है तेरा वो नाचने वाला सर, जो भी है, क्या नाम उसका? कशिश सर, कहाँ है वो? मेरी जेब में निकालू? निकाल निकाल निकाल, बोलता हूँ कशिश को, बोलता हूँ तेरे को जेब में बिठा कर कैसे बोलू, फिर तेरे को पेलेगा वो। देखो बुआ बिल्कुल ठीक है, ड्रामाबाजी कर रहा है, मैं नहीं मानता इसको कुछ हुआ है। नहीं 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 नहीं, वापिस क्लास में छोड़ गया उसको, चलो क्लास में चल फटाफट। सच सच बता, स्कूल में क्लास में उल्टी करिए या बाथरूम में करने गया था? सच बता हाँ, बाथरूम में करिए। तो बाथरूम में कैसे करी थी? तो एकदम से उल्टी आ गई तो स्कूल क्लास में बैठा था, तो क्लास में उल्टी होनी चाहिए ना, बाथरूम में कैसे करने गया? फील होता है तो आ रही होती है, तो एकदम से आती है ना। क्यों? दो मिनट रुकती थोड़ी है कि मैं पहले बाथरूम चला जाऊँ फिर उल्टी आएगी। तूने क्लास में करी? सच बता, झूठ ना बोल, इसने क्लास में ही करी है, झूठ बोला जानेंगे। करा बाथरूम में करी है मेरे को, फिर तूने क्लास में करी होगी, साफ भी करी होगी। मैं भी साफ करूंगा, क्योंकि तूने करी बाथरूम में नहीं है, तूने स्कूल क्लास में करी है, झूठ बोल रहा है, इसने क्लास में करी। 2 मिनट जैसा ऐसे फील तो होता है कि हां उल्टी आने वाली है, मैं जाऊं। तूने कहा तू पेपर लिख रहा था, फिर क्या हुआ? उल्टी जैसे फील हुआ। अच्छा फिर मैं बाथरूम गया। अच्छा फील हुआ तो चला गया और आ गई एकदम से, कल पेपर करते नहीं आई? झूठ है कहीं का। मेरे साथ भी हुआ था एक बार, मैं स्कूल में था ना जब छोटा था, जान के ड्रामे करके ना, मेरे को पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ऐसे पेट पे हाथ लगा के ना छुट्टी लेके घर आ गया। तूने वही किया ना? है ना, है ना, है ना, है ना, तूने वही किया ना? झूठे झूठे झूठे, ये झूठा है। 2 घंटे का झूठी बोलना थी। 1 बज गया, 3 बजे तू घर आया था, 2 घंटे के लिए तू आया था। अगर आना था घर में बहाना बना के, कम से कम 12-1 बजे 12-11 बजे तो आता। अंकल अंकल बोलते हैं उल्टी करके दिखा, अगर तुझे आइए तो चल करके दिखा फटाफट, कर। अच्छा मैंने तो उल्टी की वीडियो बना के दिखाया मेरे को, मम्मी को बोलूंगा छी, मैंने देखूंगा छी, बस बैठ जा। वापिस जा रहा हूँ घर पे, बहुत भूख लग रही है भाई, अभी मुझे नाश्ता भी करना है। तो शाम के 5 बज चुके हैं और टाइम हो गया अपना मंदिर आने का। तो मंदिर के बाद मैं आया था गौशाला, देखो कितनी प्यारी 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 गऊ है यहाँ पे, इनको ब्रेड खिलाई अभी हमने। सांवरे गोवर्धन। ऑल राइट, सो रात के 11 बज चुके हैं, टाइम है इस ब्लॉग को एंड करने का। थैंक यू सो मच अगर आपने मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखा है। चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय योर लाइफ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो। बाय बाय, गुड नाइट।